बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल आज शाम को इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से और आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का प्रस्ताव रखा था उनके नाम का मुख्यमंत्री के रूप में और उसको सभी ने स्वीकार किया, उस पर सभी ने सहमति जताई, फैसला दिया। सभी विधायकों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आतिशी जो इस वक्त दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, करीब 18 विभाग उनके पास हैं, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास है। जिस शिक्षा की बात करते हुए और शिक्षा की नीति की बात करते हुए, शिक्षा के मॉडल की बात करते हुए आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिशें करती रही। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ऐलान किया गया था उन्होंने उस पर मोहर लगा दी है कि मैं दो दिन बाद इस्तीफा दूंगा, दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया। एक और ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया कि जब तक जनता मुझे नहीं चुनेगी पूर्ण बहुमत से, मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक बड़ा फैसला आपकी सरकार ने दिल्ली में ले लिया है, आतिशी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरी पहली प्रतिक्रिया, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साहस को बधाई देता हूं जिन्होंने एक बार कमिश्नर इनकम टैक्स की कुर्सी को लात मारी और दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को इस्तीफा दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जनता की अदालत को सबसे बड़ी दाल समझता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जेल की सारी यात्राएं सहने के बाद हिंदुस्तान के राजनेताओं को यह बता दिया कि सरकारें जेल से भी चलाई जा सकती है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई बार नहीं है। एक ऐसा नेतृत्व जिसने जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र की सरकार ने अपनी ताकत का नाजायज प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोते की भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, डराने की पार्षद प्रयत्न अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सारी एक रही और आज एक बड़ा साहसिक निर्णय अरविंद केजरीवाल ने लिया कि मैं इनके कहने से नहीं रुका, परंतु एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसने कहा कि मैं जनता की अदालत के अंदर जाऊंगा और इनको इनका जवाब जनता देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी एक घोषणा की कि मैं जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे, तो आम आदमी पार्टी को इतना यकीन क्यों है कि जनता आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी? क्योंकि हम जनता का काम करते हैं, जनता जानती है, जनता बीजेपी के जुल्म को भी जानती है, जनता अरविंद केजरीवाल के कामों को भी जानती है, बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज देना, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देना और उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए कमा के सरकार के खजाने में जमा कराना। मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, ना स्कूल अच्छे, ना हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी, 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा है। बच्चे नशे के गर्त में उन्होंने झोंक दिए। पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल पहले से और ज्यादा भारी बहुमत के साथ दोबारा दिल्ली की जनता चुने। एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे कि आप लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव के साथ दिल्ली में चुनाव कराया जाए, तो इस मांग को क्यों किया जा रहा है जब आपको इतना यकीन है कि हमें जब भी हम चुनाव में उतरेंगे जनता चुनने वाली है? तो ये हमारा चुनाव का सजेशन है कि चुनाव आयोग की पावर है ये कि 6 महीने पहले और बाद के अंदर ये चुनाव करवा सकते हैं जी, तो चुनाव आयोग का काम है उसको माने या ना माने। आतिशी अपनी जिम्मेदारी को आप भी करीब से जानते हैं, उनको किस तरह से निभा पाएंगे, लग रहा है कि जनता की भरोसे पर खरा उतर पाएंगे वो? आतिशी ने दिल्ली के स्कूल बदलने के लिए लगातार बहुत मेहनत की, आज शिक्षा के स्तर को बदला है। आतिशी के पास आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा मंत्रालय है जी, बखूबी उन मंत्रालयों को चला रही है, उनका काम कामयाबी के साथ निभा रही है। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री के रूप के अंदर भी आतिशी एक बेहतर व्यक्तित्व साबित होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के साहस को सलाम करता हूं कि उन्होंने जेल से सरकार चलाई और अब मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ दिया।